हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन फेवर्स। मैं आपकी फ्रेंड पायल। होप आप लोग सब सेफ होंगे। और वैसे भी आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो ऑलरेडी एक मेडिकल हर्बल टी है, जो यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं, हमारे किडनी ब्लैडर्स में स्टोन्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है, तो ये सभी सॉल्व होने वाली है। और वो भी हमारी एक मैजिकल जो हमारा इंग्रेडिएंट है दैट वाज कॉर्न सिल्क, जो हम ऑलरेडी कई बार मोस्टली जो हम लोगों को इसका यूज़ नहीं पता होता और हम उसे थ्रो कर देते हैं। सो प्लीज़ आज के बाद आप इसे मत थ्रो कीजिएगा। और हमारी जो कॉर्न सिल्क है, इसकी जो टी है जो मैं आज के आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, एम्प्टी स्टमक थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। आप इसे आफ्टर लंच, आफ्टर ब्रेकफास्ट आप इसे ले सकते हैं। एंड प्लस अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें, एंड लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी हर्बल टी रेसिपी। सो फ्रेंड्स, ये हमारे कॉर्न सिल्क हमने निकाल लिया है कॉर्न्स में से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पहले जो है हम पानी ले लेते हैं। तो हमने दो कॉर्न्स के कॉर्न सिल्क लिए हैं, तो अराउंड ये हाफ टू वन कप है। तो इसके लिए हम दो कप पानी ले लेंगे। तो हम इस पानी को पहले बॉयल होने देंगे। तो फ्रेंड्स, ये पानी हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। इसमें हम अपनी कॉर्न सिल्क ऐड कर देंगे, जिसको इसके हम एटलीस्ट 5 मिनट्स जो है सिम पे, फ्लेम हम अपनी लो पे करेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर बॉयल करेंगे। इसमें हम लोग ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जो है, हम लोग एक बड़ा चम्मच इसमें हनी का ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स, इसका जो फ्लेवर है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होता है, कि इसका अपना कुछ फ्लेवर नहीं है। तो आप जो है इसको थोड़ा सा टेस्टफुल करने के लिए आप इसमें हनी ऐड कर सकते हैं। सो फ्लेम हम अब ऑफ कर देंगे। इसको हमें ओवर बॉयल नहीं करना है, तो इसको 2 से 3 मिनट हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। इसमें हम 2 से 3 ड्रॉप्स लेमन के ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारी हर्बल टी कॉर्न सिल्क टी जो है हमारी रेडी है। होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, और इवन ये बेनिफिशियल भी बहुत है। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे इवनिंग में लेते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल है। थैंक यू।